बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो बिहार में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का फॉर्म आ चुका है, लेकिन अभी भी आप लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 से 8 जो हमारा भर्ती आई हुई है उसमें फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, स्नातक में हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल वीडियो आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो देखो भैया, 6 से 8 की जो शिक्षक भर्ती है, आपका जो बिहार में शिक्षक भर्ती आई हुई है 6 से 8 में, उसमें 2 विभाग से आपको फॉर्म भरना है, 2 डिपार्टमेंट से आपको फॉर्म भरना है, यानी आपका खर्चा बढ़ने वाला है। पहला विभाग है शिक्षा विभाग और दूसरा विभाग है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग। तो जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो वहां सिर्फ आपको टिक लगाना होता है, तो आपका खर्चा जो है फॉर्म भरने का खर्चा बढ़ जाएगा। यानी 2 विभाग की भर्तियां आई हुई हैं, शिक्षा विभाग से 6 से 8 का फॉर्म भरना है, वो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से 6 से 10 वाला फॉर्म आपको भरना है। ये सारी चीजें आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 6 से 8 में अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको 3 श्रेणियां दी गई हैं, 3 श्रेणियों में 5 प्रकार से आप अध्यापक बन सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कितने प्रकार से अध्यापक बनेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और हमारी योग्यता यानी बीएड अथवा बीटीसी में कितने नंबर होने चाहिए। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ समझेंगे, लेकिन वीडियो में आप बने रहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। और हाँ, एक बात बता दें, सामाजिक विज्ञान वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो अभी हम फॉर्म भरने की योग्यता पर बात कर रहे हैं, परीक्षा कैसे देना है, परीक्षा में कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, उसके लिए बाद में वीडियो बनाएंगे। तो फॉर्म भरने की योग्यता में 6 से 8 में आप 3 कैटेगरी आपको दिया गया है, 3 कैटेगरी में आप 5 प्रकार से अध्यापक बन सकते हैं। चाहे तो आप गणित और विज्ञान से अध्यापक बन सकते हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान से अध्यापक बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर समझिए, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे गणित का अध्यापक बनना है, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान का अध्यापक बनना है। भैया, गणित विज्ञान अलग अलग नहीं है, यह एक ही है। तो गणित एवं विज्ञान यानी आपको गणित भी पढ़ाना पड़ेगा, विज्ञान भी पढ़ाना पड़ेगा, यह एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के आप अध्यापक बन सकते हैं। भाषा में 3 प्रकार की भाषाएं हैं, तीनों में से कोई एक आप अध्यापक बन सकते हैं। जैसे आप हिंदी के अध्यापक बन सकते हैं, अथवा संस्कृत के अध्यापक बन सकते हैं, अथवा उर्दू के अध्यापक बन सकते हैं। यानी कि 6 से 8 की भर्ती में आपको 5 तरीके हैं अध्यापक बनने के, 5 प्रकार से आप अध्यापक बन सकते हैं। गणित विज्ञान के बन सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के बन सकते हैं, हिंदी के बन सकते हैं, अथवा संस्कृत के बन सकते हैं, अथवा उर्दू के बन सकते हैं। अब आपको पता है अध्यापक बनने के लिए आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अब ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, उस पर हम लोग बातें करते हैं। अगर आपको गणित और विज्ञान का अध्यापक बनना है तो स्नातक में आपका गणित होना चाहिए, अथवा सांख्यिकी होना चाहिए, अथवा भौतिक विज्ञान होना चाहिए, अथवा रसायन विज्ञान होना चाहिए, अथवा जीव विज्ञान होना चाहिए, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पहले उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नियम होता है, जैसे हम लोग जहाँ पर पढ़े हैं अवध यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर स्नातक में 3 सब्जेक्ट होते थे। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पहले साल में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित था, दूसरे साल में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित था, और तीसरे साल में रसायन विज्ञान हमने छोड़ दिया तो गणित और भौतिक विज्ञान था। तो इस प्रकार में 1-2 सब्जेक्ट आज 3 साल तक हमारे पास थे, और 1 सब्जेक्ट जो रसायन विज्ञान वाला था वो शुरुआत के 2 साल तक हमारे पास था। यानी कि ये एक सिंपल ग्रेजुएशन होता है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नियम होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको 10-12 सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, सेमेस्टर वाइज भी पढ़ाया जाता है। यानी कोई सब्जेक्ट आपको 6 महीने पढ़ाया जाता है, कोई सब्जेक्ट आपको 1 साल पढ़ाया जाता है, और कोई सब्जेक्ट आपको 3 साल पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बिहार का नोटिफिकेशन आया है, इसमें यह ही नहीं लिखा है कि जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है वह आपका मेन सब्जेक्ट हो और आपने 3 साल पढ़ा हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप गणित और विज्ञान से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके मार्कशीट में ये सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए,
चाहे आपने उसे 6 महीने पढ़ा हो, चाहे आपने 1 साल पढ़ा हो, चाहे आपने 2 साल पढ़ा हो, चाहे आपने 3 साल पढ़ा हो, उससे कितना पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं। 3 वर्ष की मार्कशीट में यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि जो सब्जेक्ट हो वो 3 साल पढ़ा हो। भैया 3 साल पढ़ा हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर आपने 6 महीने भी पढ़ा है, आपकी मार्कशीट में है, तो वह माना जाएगा। यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में आराम से समझ लीजिए। कभी कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान ही लिखकर आता है, और कहीं कहीं इसकी जो ब्रांच हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यह अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। कहने का मतलब है कि आपको कहीं पर जीव विज्ञान ही लिखा रहेगा और उसके साथ आपका रसायन विज्ञान होगा या भौतिकी होगा, और कहीं कहीं पर जीव विज्ञान के जो ब्रांच हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यह अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो आपके नोटिफिकेशन में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान अलग अलग नहीं माना गया है, एक ही माना गया है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मार्कशीट में वनस्पति विज्ञान लिखा है, दूसरा सब्जेक्ट जंतु विज्ञान लिखा है, और तीसरा सब्जेक्ट और कोई मान लेते हैं सैन्य विज्ञान लिखा है, तो क्या वह गणित और विज्ञान का फॉर्म भर सकता है? नहीं भर सकता है इस नोटिफिकेशन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान एक ही माना गया है। समझ रहे हैं ना? आपकी मार्कशीट में या तो वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो, अगर दोनों हैं तो दोनों एक ही माने जाएंगे, अलग अलग नहीं माने जाएंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? आपकी मार्कशीट में गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, चाहे तो जीव विज्ञान लिखा हो, चाहे वनस्पति विज्ञान लिखा हो, चाहे जंतु विज्ञान लिखा हो, यह दोनों एक ही माना जाएगा अथवा करके यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है बात को? क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपकी जो 3 साल की मार्कशीट है उनमें से किसी भी साल ये 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? ये अलग अलग नहीं है, यह एक ही है। तो कुछ बच्चे जो जंतु विज्ञान से पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान से पढ़ते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट और कोई ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सैन्य विज्ञान, जो हमने अभी उदाहरण दिया है, तो उनका आप गणित विज्ञान से अध्यापक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही माना जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। इसके साथ साथ यदि आपको गणित विज्ञान का अध्यापक बनना है और आपने बीटेक किया है, और बीटेक के साथ आपका बीएड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन में बीटेक के साथ बीटीसी अथवा जिसे हम लोग डीएलएड कहते हैं वह नहीं लिखा है, ठीक है? तो बीटेक के साथ सिर्फ बीएड ही माना गया है। उसी प्रकार अगर आपने बीएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स है और साथ में आपने बीएड भी कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप गणित विज्ञान के अध्यापक बन सकते हैं। तो गणित विज्ञान के अध्यापक बनने के लिए ये पूरी कैटेगरी दी गई है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, अथवा बीटेक हो तो उसके साथ बीएड हो, अथवा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो, बीएड हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स हो और आपका बीएड हो। तो गणित विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए इन योग्यताओं में से कोई आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई एक योग्यता होनी चाहिए, और इसमें आपका 2 सब्जेक्ट नहीं लिया गया है। अगर ये डिग्री है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो बीटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब सामाजिक विज्ञान पे आते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इस सामाजिक विज्ञान की ही होती है। तो सामाजिक विज्ञान में टोटल आपके 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन 9 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में लिखे होने चाहिए। हमने पहले ही बता दिया, चाहे आपने 3 साल पढ़ा हो, चाहे आपने 1 साल पढ़ा हो, चाहे 2 साल पढ़ा हो, चाहे 6 महीने पढ़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपकी मार्कशीट में इन 9 में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। पहला सब्जेक्ट है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है राजनीति शास्त्र, चौथा है दर्शन शास्त्र, पांचवा है अर्थशास्त्र, और आपका 6ठा सब्जेक्ट है वाणिज्य, 7वां सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, 8वां है समाजशास्त्र, और 9वां सब्जेक्ट है गृह विज्ञान। इन 9 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में होने चाहिए। यहाँ पर शिक्षा शास्त्र नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि शिक्षा शास्त्र माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा, तो शिक्षा शास्त्र यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसलिए जो एजुकेशन होता है यानी शिक्षा शास्त्र होता है वह नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है? फिर से आपको समझा दें, यह फॉर्म भरने की योग्यता है। पेपर देने का अलग से जो आपका मौका मिलता है, 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको अलग से चर्चा करेंगे। यह फॉर्म भरने की योग्यता है।
जैसे कुछ लोग कन्फ्यूज्ड होते हैं कि मेरा वाणिज्य है और अर्थशास्त्र है तो मैं इतिहास और भूगोल से कैसे पेपर दूंगा, तो ये एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। आपको चार सब्जेक्ट मिलते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और आपका और कौन सा है, अर्थशास्त्र। ये चार सब्जेक्ट मिलते हैं, इन चारों में से कोई दो सब्जेक्ट में आपको पेपर देना होता है। जिस सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे हैं, आपका वो सब्जेक्ट तैयार है, आप मजबूत है सब्जेक्ट, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, उन्हीं दो सब्जेक्ट से आप पेपर देते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है, तो वो एक बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। कुल मिला के अभी फॉर्म भरने की बात हो रही है, तो 9 सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। बात क्लियर है? चाहे आप 3 साल पढ़े हों, चाहे आप 6 महीने पढ़ा हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी से फॉर्म भरने के लिए स्नातक में आपका हिंदी होना चाहिए। यहाँ पर भी वही प्रश्न होता है, चाहे आपने 3 साल पढ़ा हो, चाहे 2 साल पढ़ा हो, चाहे 1 साल पढ़ा हो, चाहे आपने 6 महीने यानी सेमेस्टर में पढ़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी मार्कशीट में हिंदी लिखी होनी चाहिए। इसी प्रकार संस्कृत का है, स्नातक होना चाहिए, किसी भी साल आपने पढ़ा हो कोई मतलब नहीं है। अथवा जो संस्कृत बोर्ड होता है वहाँ पर शास्त्री की डिग्री की जाती है, तो अगर आपके पास शास्त्री की डिग्री है फिर भी आप संस्कृत से फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार उर्दू से फॉर्म भरने के लिए स्नातक होना चाहिए, फिर वही कंडीशन है, चाहे 3 साल हो चाहे 6 महीने हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अथवा जो उर्दू बोर्ड होता है उसकी आपको आलिम की डिग्री है तो भी आप उर्दू से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये उर्दू वाली योग्यता होगी, संस्कृत की योग्यता हो गई, हिंदी की योग्यता हो गई। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपने चाहे 3 साल पढ़ाओ, चाहे 2 साल पढ़ाओ, चाहे 6 महीना पढ़ाओ, इससे कोई मतलब नहीं, आपके मार्कशीट में लिखे होने चाहिए। तो ये तो हो गई स्नातक में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है और किस सब्जेक्ट पढ़ने के कारण किस विषय के आप अध्यापक बन सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फॉर्म भरने की योग्यता। फॉर्म भरने की योग्यता पर आते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि यहाँ पर स्नातक की बात करते हैं, पहली योग्यता है या तो आप स्नातक होना चाहिए, स्नातक में इनमें से कोई भी विषय हो आपका, और उसका उसके बाद साथ आपका BTC होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास BTC अथवा जिसको हम लोग DLED भी कहते हैं उसकी डिग्री आपके पास है, तो स्नातक में कितना प्रतिशत चाहिए ये नहीं लिखा है। कितना भी प्रतिशत हो, चाहे 40% हो चाहे 45% हो, आप आराम से अगर आपके पास BTC DLED वाली डिग्री है तो आप आराम से 6 से 8 का फॉर्म भर सकते हैं। BEd पे आते हैं, अगर आपने BEd कर रखा है तो 50% के साथ आपका स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 45% अगर आपके ग्रेजुएशन है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ BEd में 1 वर्षीय डिग्री होनी चाहिए। BEd जो 1 साल वाला होता है वो डिग्री हो, और स्नातक में अगर आपके 45% नंबर हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, परेशान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अगर आपने सिर्फ कक्षा 12 तक पढ़ाई किया है और 50% नंबर है कक्षा 12 में और 4 साल वाला BEd कर रखा है, जो हमारा BA BEd होता है या BSc BEd होता है, उस कंडीशन में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी बहुत सारी योग्यताएं हैं लेकिन हमने सारी योग्यताओं को यहाँ पर नहीं लिखा है। और हाँ, BEd विशेष शिक्षा वाले भी 50% के साथ फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिला के परसेंटेज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास BEd है अथवा BTC वाली डिग्री है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप SC कैटेगरी में हैं, ST कैटेगरी में हैं, BC कैटेगरी में हैं या EBC कैटेगरी में हैं अथवा दिव्यांग कैटेगरी में हैं तो आपको 5% की छूट मिलती है। जैसे कि यहाँ पर स्नातक 45% लिखा है और आपका BEd है, लेकिन हो सकता है आपके परसेंटेज कितना हो, 42%, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सारी कैटेगरी को 5% की छूट मिलेगी, तो आप 40% तक फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको 5% की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें छूट मिलती है। अब अधिकतम उम्र और न्यूनतम उम्र की बात करते हैं। देखो भैया, शिक्षा विभाग का जो फॉर्म है उसमें न्यूनतम उम्र 18 साल है, और SC ST जो कल्याण विभाग है उसमें 6 से 10 का फॉर्म आता है, उसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। ठीक है, अधिकतम उम्र की बात करते हैं। जो जनरल का पुरुष है, पुरुष वर्ग जो है, अदर स्टेट का पुरुष अथवा बिहार में जो पुरुष वर्ग है
सामान्य वर्ग के लिए उसका 37 साल हमारी अधिकतम उम्र है। इसी प्रकार यदि आप पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तो उसकी उम्र जो है अधिकतम 40 वर्ष है। यदि आप SC कैटेगरी में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इसी प्रकार ST कैटेगरी में आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उनकी जो अधिकतम उम्र है वो 42 साल है। और यहाँ पर जो अदर स्टेट की महिलाएँ हैं, जो उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, या छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं जो बिहार में फॉर्म भरने जाएंगी अदर स्टेट, उनकी अधिकतम उम्र 40 साल है। और बिहार की जो सामान्य वर्ग की महिला हैं उनकी जो अधिकतम उम्र है वह 40 वर्ष है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किस वर्ग को कितना छूट दिया गया है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जो दिव्यांग हैं उन भाई बहनों को यहाँ पर 10 साल की छूट दिया गया है। तो छूट सिर्फ दिव्यांग वर्ग को ही दिया गया है। इसके अलावा जो बिहार में पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उन्हें 5 साल की छूट दिया गया है, लेकिन BC EBC SC ST को कितना छूट दिया गया है यह नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। तो उम्मीद है फॉर्म भरने की योग्यता जो हमने बताई है, समझाई है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सामाजिक विज्ञान वाले सारे बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें कि यहाँ पर जो 9 सब्जेक्ट लिखे गए हैं यह आपके फॉर्म भरने की योग्यता है। अभी आप फॉर्म भरिए, पेपर आप किस सब्जेक्ट से देंगे वो दूसरा मामला है, दूसरा मैटर है, उसके लिए हम लोग कल वीडियो बनाएंगे, तो कल वाली वीडियो आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है सारे डाउट अब आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप प्रश्न पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।